बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। तहसील अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया जाएगा। बबेरू के शिव मंदिर चौराहे पर पिछले तीन दिनों से लगातार भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह पटेल की अगुवाई में किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा, जिसमें तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेगा, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अजय कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि अधिकारी अनशन स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद वह शुक्रवार को हवन और यज्ञ करेंगे, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो सके। इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने की भी बात कही है और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को दी है। समस्याएं हमारे पास 12 बिंदु हैं, जो पहला तो है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत RCC खड़ंजाएं खोदे गए हैं उनका निर्माण कराया जाए, और दूसरी है जो जैसे आपके कमासिन CSC में अस्पताल में 7 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि मौके में एक ही रहता है, बकाया नदारद रहते हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य कराई जाए। तीसरा, ग्राम कोरम में देसी ठेका शराब 30-35 साल से लगातार चल रहा है, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है 2 साल के भीतर, उसको वहां से तत्काल प्रभाव से हटवाया जाए। और खाद जो सहकारी समितियों में DAP यूरिया की कमी है, उसको पूर्णतः रूप से तत्काल प्रभाव से उसको जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया, इसीलिए उनके संज्ञान में देने के लिए कल शुद्धि बुद्धि हवन यज्ञ की तैयारी हो रही है, जो यहीं पे होगा, और ताकि हमारी बातें जो है शासन प्रशासन तक पहुंचे। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।